इस साउंड रिकॉर्डिंग होता बेहद मुश्किल दौर में बहुत ही ज़रूरी आयोजन के कर्ता धर्ता मेरे अभिभावक सरीखे गणपति मंडल जी पिछड़ों शोषितों को मजलूमों को जाति की संकीर्ण दीवार को उठाकर जमात में तब्दील करने की एक बहुत ही सार्थक और सुंदर पहल में शामिल यहाँ का सहृदय समाज बक्सर की परिवर्तन को आतुर ज़मीन से जुड़े एक एक नौजवान साथी मेरी माताएं बहनें मेरे अनन्य मित्र और रामगढ़ से चलकर आए भाई अजीत जी और आज ही बनारस से सिर्फ और सिर्फ इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आए भाई अर्जुन सुहैल गौतम और युवा साथी बबलू जी राजेश जी अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी चेतनाशील वरीय साथी इस समाज का संकट क्या है और सही मायने में वह सभ्यता का संकट क्या है। हम इन दकियानुसी ख्यालात से चाहकर भी बाहर क्यों नहीं आ पा रहे और क्या सही मायने में हम उस यथा स्थिति को तोड़ने के इच्छुक भी हैं क्या। दो तीन शब्द पिछले तीन चार दशकों से इतने प्रयोग में लाए गए कि अब लगता है कि उनके मानी गिर पड़े हैं। हमने उसको इतना घिसा उन लफ्जों का इतना दोहन किया कि उसके सही मतलब को आत्मसात करने से हमें कोई वावस्तगी नहीं रह गई। और वो शब्द क्या है? सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव। और किसी भी शब्द के पीछे जन लगा दो और वो इतना रेटरिकल लगता है, जन आंदोलन, जन आक्रोश, जन अपेक्षा। हमने सही मायने में इस जन को एक्सप्लॉइट किया है। पिछले सत्र में काफी सार्थक चर्चा हुई मनवादी व्यवस्था के तौर तरीके पर, ब्राह्मणवादी प्रैक्टिसेस पर। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव ने सामाजिक न्याय का जो मतलब हमारी पिछली पीढ़ी को समझाने की कोशिश की थी उसमें वो साफ कहते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब 10% शोषकों से, उनकी जुल्मत से 90% शोषितों को नौकरशाही और जमीन में हिस्सेदारी देने का मतलब ही सामाजिक न्याय है। और इसलिए जो काका कालेलकर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसके रिकमेंडेशंस इतने रिवॉल्यूशनरी थे अपनी नेचर में कि उसकी एक अहम सिफारिश थी कि 1961 की जो जनगणना है वह जातिवार होगी। और यह दुनिया की ऐसी अनोखी, अलवेली और इकलौती रिपोर्ट है कि रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने वाला, उसको बनाने वाला शख्स यह कहता है आखिर में नोट में कि इसको फिलहाल लागू नहीं किया जाए, इसको लागू करने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। किन राजनैतिक परिस्थितियों में, किस तरह के दबाव में इस तरह का काम किया गया होगा। और मैं इसलिए इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस क्यों महत्वपूर्ण है और 1948 की के जनगणना कानून के मुताबिक क्यों जनगणना होनी चाहिए
इस देश में कुत्तों, बिल्लियों, मैना, पक्षी, सुग्गों, तोतों, गाय, माल, भैंस, गधे, घोड़ी, सुअर, यहां तक कि मछलियों की गिनती होती है, मत्स्य गणना भी, गृह गणना होती है, पशु गणना होती है, लेकिन आप आदमी को नहीं गिन रहे? किस डर से ऐसा नहीं कर रहे? इसलिए आज के सम्मेलन में इस बात को हम लोग एंश्योर करके जाएं कि जो जाति जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमको भी गिनो वरना गद्दी खाली करो। यह इसलिए भी नहीं गिन रहे कि सही सही आंकड़े आ जाएंगे। और कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने समाज के अंदर अलग अलग स्ट्रेटा की साइंटिफिक जानकारी लेने से, रखने से, कराने से मना करता है। अमेरिका तक में अफर्मेटिव एक्शन है और हाईली कॉर्पोरेटाइज्ड मीडिया होने के बावजूद वहां न्यूज रूम डाइवर्सिटी एंश्योर किया जाता है। इसके माने क्या है कि समाचार कक्ष में अलग अलग समाज के लोगों की विविधता परिलक्षित होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ब्लैक भी बैठेंगे वहां। और हमारे यहां अनिल चमारिया, योगेंद्र यादव और जितेंद्र कुमार ने 2006 में एक न्यूज रूम डाइवर्सिटी सर्वे कराया था और उसके आंकड़े चौंकाने वाले आए। उस वक्त तक देश में एक भी दलित संपादक नहीं था किसी भी इंग्लिश, हिंदी या अन्य लैंग्वेज के चैनल्स में, समाचार पत्रों, एक भी आदिवासी एडिटर नहीं। ओबीसी की संख्या 52% होने के बावजूद 4% के आसपास। क्रिश्चियंस की जो आबादी है उस मुताबिक बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा ठीक ठाक।